अरे रोहित भाई छुपके से डालने की कोशिश कर रहे हैं क्या भाई है? जो खराब है वो क्या ही बताएं दोस्तों, मैं तो हाथ में फोन है लेकिन मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो गिरूंगा नहीं लेकिन फोन जरूर गिर सकता है और मैं रिस्क थोड़ा भी नहीं लेता किसी भी चीज में। तुम्हारा भाई जरूर रिस्क लेगा। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब लोग, मैं हूं रोहित और स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सो गाइस यार, अभी मैं आया हूं मेले और मैं आज मेले दिन में आया हूं। तो फिलहाल यहां पे मैं एक भैया से मिलाने वाला हूं आपको, आप में से बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे। तो मैं मिल चुका हूँ पहाड़ वाले भैया से। सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। पहला क्या हालचाल। मेरा गांव अगस्तमुनि से 17 किलोमीटर दूर, गांव का नाम खमोली है, ग्राम सभा हमारी मणिगो है, तो ज्यादा लोग मणगो भटवाड़ी के नाम से वहां जानते हैं हमको। खमोली गांव उतना अभी पॉपुलर है नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब मैं वीडियो में बताता हूँ तो लोग अब धीरे धीरे शायद जानेंगे हमारे गाँव को भी। तो भैया का चैनल है पहाड़ वाले भैया नाम से, पहाड़ वाले भैया नाम से। तो भैया के ब्लॉग में तब से देखता हूँ जब से आपने मेरी वीडियो देखी होगी, मैं पांडव लीला वाली वीडियो बनाता हूँ, तो उसी टाइम से उसी दौरान भैया और मेरी बात भी थी। तो आज फाइनली मिल चुके हैं। मैंने आपको बोला भी था मेरा ननिहाल यही पुनाड़ गांव में है, तो वहीं पर जो पांडव लीला हो रही थी वो वहीं पर हो रही थी, तो भाई साहब भी ऊपर से वीडियो बना रहे थे, मैं भी नीचे से बना रहा था, तो तभी से थोड़ा बहुत बातचीत हमारी स्टार्ट हुई। तो अभी मैं यहाँ पर सर्विस करने के लिए अपनी बाइक आ रखा था, तो मैंने बोला क्यों ना रोहित भाई से भी मिल लिया जाए, तो उनको मैंने मैसेज किया और झटपट से आ गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ना धन्यवाद आपका कि आप मेरे लिए रुके, तो मतलब अच्छा लगता है। तो कल मैं मोनिका सजवान से भी मिला तो वो भी मेरे लिए रुके, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो भैया भी अभी वहाँ पे वेट कर रहे थे सर्विस सेंटर पे। सो फिलहाल हम दोनों भाई लोग मेले घूमते हैं, और बाकी भैया के चैनल को भी आप देखना पहाड़ वाले भैया। तो आपको भैया की एक चीज़ मुझे ये अच्छी लगती है कि भैया ना मतलब ब्लॉग बनाते बनाते अपने घर का काम करते हैं, मतलब जो होता है ना गाँव से रिलेटेड वो काम करते हैं, तो अच्छा लगता है आपका ब्लॉग देखते हैं। बस ये है ना, अपना गांव का है, अपने गांव के लोग हैं, तो घर में काम भी करना पड़ता है, तो उसी के साथ साथ ब्लॉगिंग भी हो जाती है, तो आप लोगों को प्यार दे ही रहे हैं, तो इसलिए मैं बना लेता हूँ ब्लॉग भी। तो चलो अभी चलते हैं, फिर मेले घूमते हैं, और मेले में क्या होता है वो आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा ही। हालांकि जो अभी दिन में है ना वो भीड़ नहीं होती, क्योंकि अभी जो वो लोग होते हैं जो दूर दूर से आते हैं गाँव के लोग, क्योंकि जो मार्केट के होंगे वो तो रात को ही आएंगे। लेकिन दिन को भी अलग मजा है, रात का भी अलग मजा है, हर चीज़ का अलग अलग मजा होता है यार। हाँ। चाहे दिन का हो चाहे रात का हो। तो भैया आज नमस्ते पहाड़ से भी मिले। हाँ, आज मैं सुबह नमस्ते पहाड़ से भी मिला हूँ, तो ये वीडियो आपको मेरे चैनल पे तो दो तीन दिन बाद मिलेगी शायद, क्योंकि मेरे एक दो वीडियो पेंडिंग है, तो उनको अपलोड करेंगे फिर ये वाली वीडियो। शायद मुझसे पहले रोहित भाई अपने चैनल पे ये वीडियो अपलोड कर ले। हाँ, मेरी भी एक वीडियो और है, तो उसके बाद ये वाली वीडियो आपको देखने को मिलेगी, लेकिन बहुत जल्दी। तो फिलहाल अभी हम मेले घूमते हैं बिल्कुल, और ये मैंने आज इन्होंने फोन लिया होगा तो इनके चैनल पर मैं इनको बधाई दे देता हूँ हमने फोन की, और क्वालिटी मतलब अपग्रेड हो चुकी है लग रहा होगा वीडियो में, अगर लग रहा है तो एक कमेंट कर दो यार। तो फिलहाल अभी मेले घूमते हैं। सुबह यार अभी भी आज तो भीड़ है, क्योंकि आज मेरे को लग रहा है कि लास्ट है, कहा तो ऐसे है कि 30 तारीख तक लगेगा। फिलहाल तो वहाँ पे झूला भी स्टार्ट हो चुका है, सो चलते हैं उस साइड को हम। यार वैसे दिन को भी बहुत मजा आ रहा है, मतलब नए नए चेहरे दिख रहे हैं, टाइम नए नए चेहरे यार, अभी दूर दूर के लोग अभी तो आए होंगे, वो दूर दूर डेली देख रहे होंगे, तो मार्केट लोग तो दूर दूर के तो अभी आएंगे भाई सारे। हाँ, तो अभी भाई नए नए चेहरे दिख रहे हैं, तो मजा आ रहा है अभी भी। तो अभी देखते हैं हमारे लिए कुछ है यहाँ पर कि कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी चरखियाँ लगी है और एक बड़ी वाली चरखी लगी है, जिससे कि मुझे बहुत डर लग रहा है, बचपन में बैठा था उसके बाद कभी बैठा ही नहीं मैं। तो ये है वो देख सकते हैं आप पीछे, तो अभी कोशिश करेंगे उसे बैठने की, कैसा एक्सपीरियंस रहता है बहुत टाइम के बाद। तो गाइस आपको नए फ़ोन की क्वालिटी कैसी लग रही है यार, पक्का बताना, और आई थिंक बहुत बेटर होगी मेरे पहले वाले फ़ोन से। यार अब हम झूले में बैठने वाले हैं, तो देखते हैं। तो मैं बहुत टाइम बाद बैठ रहा हूँ, अभी यहाँ पे दिया भैया ने पैसे और बहुत एक्साइटेड है, क्यों मैं भी बचपन से नहीं बैठा हूँ भाई आज। भैया मैं गिर गया तो जैसे नहीं गिरेंगे भाई, पक्का। तो गाइस काफ़ी टाइम बाद यार अब फाइनली हमारा नंबर आ चुका है, और मैं और भैया जा रहे हैं, तो अब देखते हैं और दिखाते हैं आपको। तो गाइस नज़ारा देख सकते हैं आप अभी गुलाबराय फील्ड का भाई, तो इस साइड को है दुकानें और इस साइड पूरा फील्ड अभी खाली है। नो छड़ के नहीं जाना कभी, झूठे
वादे सही दिल से निभाना कभी, लंबी रातें सही ख्वाब तो दिखाना कभी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कभी, परदेसी तेनो जरा जिस्म का शोक नहीं। मैं तो हाँ बंद कर दिया भाई, भाई साहब हालत खराब हो गई। मैं तो फोन नीचे रखने की सोच रहा था, लेकिन कैसे रखो यार, हालत खराब हो गई। भाई साहब तो हालत में धोखा खराब हो रही है ना, वो मैं बता नहीं सकता। मुझे लगता कि आज के बाद एक बार भी मैं बैठने वाला हूँ, लेकिन जैसे जैसे अब धीरे धीरे घूम रहे हैं तो उसके बाद मजा आ रहा है। जो खराब है वो क्या ही बताएं दोस्तों, मैं तुमको ऊपर जाते समय तो बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन जैसे ही नीचे जा रहे हैं ना, मार्क्सम नीचे देखने में तो मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ भाई। हाथ में फोन है, लेकिन मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं तो गिरूंगा नहीं, लेकिन फोन जरूर गिर सकता है, और मैं रिस्क थोड़ा भी नहीं लेता किसी भी चीज में। तो बाकी भैया तो रिस्क नहीं लेंगे, जिन तुम्हारा भाई जरूर रिस्क लेगा, रिस्क से ही नाम बनता है वाला। तो भाई यार फाइनली हम आ चुके हैं और बहुत मजा आया यार, तो किसी तरीके से फट चुकी है। आपने देख लिया होगा मेरी हालत खराब हो गई। तो भैया बचपन से बैठ रहे हैं, तो आप देख लो, अब तो भैया की शादी की उम्र होने वाली है। शादी की उम्र हो रही है, शादी की उम्र अभी मेरी नहीं हुई भाई, अभी कम से कम 10 साल लगेंगे और। भाई देखते हैं क्या करते हैं, फिलहाल मेरे को तो मजा आया। वह नीचे आते टाइम जो गुदगुदी हो रही थी ना, उसका अलग ही मजा आया गाइस। यहाँ पे आप थोड़ा सा जुआ भी खेलेंगे, पहले रोहित भाई खेलेंगे, दोनों फोनों से मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस वाले पे डाल, हाँ हाँ देखो तुम कौन सा डाल रहे हैं। नहीं पड़ा, अबे यार चुक गए 20 रुपए। और डाल डाल डाल, ओह अभी भी नहीं पड़ा। अबे उसी में थोड़ी ना डालना पड़ता है, चल रोहित भाई चुपके से डालने की कोशिश कर रहे हैं। अबे यार तब भी नहीं डाल पाए हैं। तो गाइस अब ये भी ट्राई करते हैं, गाइस अब तुम्हारा भाई बंदूक चलाएगा। तो चार चांस मिली है, तो दो भैया मारेंगे, दो से मैं मारूंगा। वीडियो में बना रहा हूं और रोहित भाई का शॉट, अरे एक शॉट मिस कर दिया रोहित भाई ने। मार रहा, अबे पबजी नहीं खेलता था क्या? हो गया। तो गाइस अब लूट लूट के अब हम जा रहे हैं मेले से घर। कैसा लग रहा मेले में आके? बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। हाँ। क्या क्या लिया तूने? अभी तो कुछ नहीं लिया, अभी तो खाली ड्रैगन में बैठे हैं। चाची वाला क्या हाल चाल, क्या बेच रहे हैं आज? हैं? यार हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं, हमारे लिए टी शर्ट है ये देखो। टी शर्ट ले भाई, तो भाई को दिखाओ इधर, रोबिन भाई को आज शॉपिंग करा, बोला आज सीधे रेगिस्तान से, रेगिस्तान की गर्मी से ही सीधे इतने ठंड में पहुंच गए तुम यार। ले रहे और यहाँ पर मेले में जो रहता ना, ज्यादा लड़कियों के लिए सामान रहता है, ये मैंने बहुत पहले से मैं देखता हूँ रहता हूँ, क्योंकि जो मेले में भीड़ भी लगी रहती है वो ज़्यादा लड़कियों की लगी रहती है। तो अभी मेले के अंदर तो इतनी ज़्यादा गर्मी और धूल उड़ रही है ना, तो वहाँ पर रहा नहीं जा रहा है, तो इसीलिए हम थोड़ा साइड में आ चुके हैं, थोड़ा यहाँ पर छाया भी है, और यहाँ पर हमारे रोहित भाई बता रहे हैं कोई और आ रहे हैं, तो उनका भी हम थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं। तो उसके बाद तेजपाल भाई बता रहे हैं कुछ भी ना, तो उनका चैनल कुछ भी है, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, जब आएंगे वो खुद ही बताएंगे आप लोगों को। तो फिलहाल यहाँ पर उनका वेट करते हैं और छाया पे आराम करते हैं। वही फाइनली तेजपाल भाई भी आ गए हैं, तो अभी हम इनका वेट कर रहे थे, तो फाइनली तेजपाल भाई थैंक यू आप आए। सॉरी यार मेरे को लेट हो गई, मतलब रोहित ने मेरे को बहुत कॉल की, मैं टाइम से आ नहीं पाया। अरे कोई नहीं, बाकी भैया अभी आप घर जाएंगे, क्योंकि भैया का घर बहुत दूर है, बहुत दूर है, यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर तो होगा ही समथिंग में, तो मैं अभी जाना है, तो घर वालों के फोन भी आ रहे हैं, उनको मैंने बताया भी नहीं है मैं रुद्रप्रयाग आ रहा हूँ, तो घर में गाली भी शायद खाने को मिल सकती है,
तो देखते हैं क्या होता है। तो आज हमारे व्यूअर को क्या कहना चाहोगे आप? बस व्यूअर को मैं हमेशा यही कहूंगा कि आप जिसकी भी वीडियो देखते हैं तो उनको तहे दिल से बहुत सपोर्ट कीजिए। कभी भी कमेंट में जो नेगेटिविटी आप फैलाते हो तो ऐसा मत कीजिए किसी के साथ भी, क्योंकि एक वीडियो बनाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप देखते हैं कि 10 मिनट की वीडियो बनाई लेकिन उस 10 मिनट के लिए पूरा दिन लग जाता है। मुझे खुद मैं अपनी बात करूँ तो 15-16 घंटे लग जाते हैं। 10 घंटे रिकॉर्ड करो और 4-5 घंटे ऐसे एडिट में भी लग जाते हैं। तो आप हम सभी लोगों को जितने भी लोग हैं सपोर्ट करते रहें, हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बाकी मैं एक बार फिर से बता दूं कि है पहाड़ वाले भैया, ये हमारे तेजपाल भाई कुछ भी, और ये हमारे राहुल भाई, राहुल ममगाई, इनका राहुल ममगाई के नाम से ही है। तो फिलहाल अब चलते हैं घर की तरफ। सो गाइस यार रात के बज रहे हैं 10:30, तो अभी मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ। सो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में करूँगा। जब मैं शाम को जाऊँगा तो मैं वो अलग पार्ट में करूँगा, क्योंकि शाम को भी मैं बहुत सारे दोस्तों से मिला, बहुत मज़े किए हमने शाम को भी, और वो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। और शाम को बारिश भी आई, हम झूला भी झूले, ड्रैगन में भी बैठे, ओवरऑल बहुत मज़ा आया यार। सो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। बाकी यार मेरे को बहुत अच्छा लगा पहाड़ वाले भैया से मिलके, और वो उन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो इससे पिछले व्लॉग में आपने देखा मोनिका सजवाण, उन्होंने भी मेरे को मैसेज किया था। तो अच्छा लगता है जब बड़े यूट्यूबर आपको मैसेज करके बुलाते हैं आ जाओ, तो बहुत अच्छा लगा। और देखा होगा यार उनके साथ मैंने बहुत मस्ती करी, और ऐसे लग नहीं रहा था कि हम फर्स्ट टाइम मिले, हमने बस एक दूसरे को वीडियोज़ में देखा है और फर्स्ट टाइम हमने आज एक दूसरे को देखा, लेकिन बहुत अच्छा लगा। बस ऐसी सपोर्ट करते रहो। और बताना यार नए फ़ोन की क्वालिटी आपको कैसे लगी। तो बाकी अब ऐसे व्लॉग आने वाले ना एकदम तबाही, नेक्स्ट पार्ट भी जरूर देखना यार, बहुत मज़ा आएगा नेक्स्ट पार्ट में भी। तो फिलहाल आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं, होप करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगे चलेगी। तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।